मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के रोहुआ गांव स्थित राजकीय कृत श्री विश्राम सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में बूथ संख्या 101, 102 और 103 में आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं यहां भी पुरुषों से आगे दिखी। इन तीन बूथों को मिलाकर 3375 मतदाता हैं। दोपहर 1:30 बजे तक लगभग 45% मतदान हो चुका था और आगे भी जारी है। नरसिंहपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी गिने चुने पुरुष मतदाता दिखे। यहाँ पर सभी महिलाएं ही आगे दिखी। पहली बार मतदान करने पहुंची युवक युवतियां उत्साहित दिखी। उन्होंने कहा कि विकास मुद्दा है, मंदिर के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, महंगाई पर अंकुश, गरीबों को भोजन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। गीतांजलि ने देश के विकास को महिलाओं को घरों से निकलकर मतदान करने की अपील। लोग सर विकास को देखते हुए वोटिंग करने आए हैं और महंगाई और बेरोजगारी को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि विकसित होने के लिए महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल में करेंगे तभी हमारी जनता खुशहाल होगी। ये सब देखते हुए हम लोग वोटिंग करेंगे और मजबूत उम्मीदवार जो कुछ करने वाले हैं उनको विजयी बनाएंगे। आधी आबादी की लाइन आपसे ज़्यादा लंबी है, महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं, पुरुष नहीं निकल रहे हैं आपके गांव में। महिलाएं ज़्यादा खुश हैं सरकार से जी, और हम लोग भी खुश हैं, लेकिन हम लोग तो जागरूक नहीं हैं इसलिए आधी पुरुषों से ज़्यादा लंबी निकल रही है महिलाएं बढ़ चढ़ के इस पर वोटिंग कर रही। जरूरी भी है। क्या संदेश देंगे महिलाओं को? संदेश क्या देंगे यही, जो सब मिलकर जितने सारे महिलाएं सभी आदमी जा करके वोट दें। आधी आबादी कही जाती है महिलाओं में ही ज्यादा आधी आबादी पुरुष की तो कम दिख रही है। नहीं नहीं, उन लोग का भी पहले आगे पीछे होते, पहला बात है। हाँ मिल गया, बहुत अच्छा। सुजाता, हमारा ऐसा कुछ पर्सनल वैसा कुछ सोच नहीं है, बस मोदी जी हैं तो बस सब कुछ है, वोट उनके नाम पे। जो बातें बात करती हैं, ऑब्वियसली बात होती है उनकी, उनकी तो बात स्पेशली होती है और सभी का नहीं पता। गार्गी शर्मा, वोटिंग करने टाइम में हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे हमारे जो देश के लिए क्या सही है, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी खत्म हो जल्दी से जल्दी, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अब अभी की सरकार क्या काम कर रही है, इसके लिए हमें ये सोच के वोट करना होगा कि आगे की सरकार भी अच्छा काम करे, रोजगार पे ध्यान दे। ये जो गरीबी हो रही है यहाँ पे, बहुत बहुत गांव के ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोग भूखे सो रहे हैं, वहाँ की LPG महंगी है, LPG सब्सिडी को सस्ता करे, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। शिक्षा पे ध्यान दे, लड़कियों की शिक्षा पे जैसे अभी सरकार ध्यान दे रही है वैसे आगे और ज़्यादा इस पर तरक्की करे, शिक्षा पे ध्यान दे, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा सरकार। नहीं नहीं, अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग भूखे सो रहे हैं, जिन जिन जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है ऐसे, लेकिन बहुत सारे जगह है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे जिले के पार्ट है जहाँ पे लोग भूखे रह रहे हैं, उन सब पे भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ मंदिर बनाने से इन सब से काम नहीं होगा, बाकी बल्कि तरक्की पे भी ध्यान देना है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ? अरे यहाँ तो ऑटो फायर का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा, आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।